देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। नवयोप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो अम्बे माते की जय। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 7 और अभी हम है विवियाना मॉल। ये पीछे जो है ये विवियाना मॉल है। तो हम निकल रहे हैं एक राइड पे, बड़ी राइड नहीं है, एक 100 किलोमीटर की राइड है। तो रास्ते में बताऊंगा हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और अभी हमारी ये जो गैंग है ये अभी जमा हो रही है। तो गाइस अभी एक एक करके लोग आ रहे हैं और ये TVB की राइड है, TVB दैट इज़ दी बाइकर ब्रदरहुड। ये पहला ग्रुप था जो मैंने ज्वाइन किया था 2 साल पहले और तब से इनके साथ मैं राइड करता हूँ। काफ़ी दूसरे भी ग्रुप है जिनके साथ मैं राइड करता हूँ या तो फिर सोलो करता हूँ। आपको तो मालूम है अगर लंबा जाना है तो सोलो जाना है, क्योंकि फिर सबको किसकी छुट्टी है, किसका क्या है, किसका ये दम फलाना धमकाना, वो उस करने से अच्छा है कि भाई अपना निकलो अकेले, जहाँ पे जाना है जाओ, जहाँ पे रुकना है रुको, जितने दिन रुकना है रुको। तो अभी थोड़ी देर में और भी लोग आ जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्टली हम कहाँ पे जा। सो गाइस सब गियर अप हो गया, अभी निकलेंगे और एक दो मेंबर्स ज्वाइन होने हैं और एक दो लोग ज्वाइन होने हैं, लेकिन वो रास्ते में हो जाएंगे। तो अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग, जैसे मैंने कहा रास्ते में बताता हूँ एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। वैसे देखिए अगर मुंबई से आपको बाहर निकलना है कहीं पे भी, तो दोस्तों जैसे मैं कह रहा था मुंबई से निकलने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं। एक है जो बॉम्बे आगरा हाईवे जो कसारा घाट से होकर आता है, सेकेंड इज़ NH 48 जो पूना जाता है और पूना वगैरह होके इट गोज टू ऑल द वे टिल चेन्नई, और तीसरा है वापस NH 48 जो आपका दिल्ली तक जाता है, जो अहमदाबाद हाईवे जो बोलते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं, जहाँ पे भी जाना है इन्हीं रास्तों से जाना है। तो चलो गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। All set. चलो फिर से एक बार जयकारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो अम्बे मात की जय। ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं, वैसे तो प्लान था 6:30 निकलने का, लेकिन सब वीकेंड मूड में है, एक एक करके जैसे आ रहे हैं तो आते आते ही सब 7:30 ऑलमोस्ट हो गए। तो अभी हम ये ब्रिज लेंगे, दिस विल जॉइन अस टू दी मुंबई आगरा हाईवे। तो अभी हम पहुंच चुके भिवंडी और अच्छी खासी धूप निकली है, अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मुंबई में रोज शाम को बारिश हो रही है और एकदम मौसम खराब हो रहा है और सुबह को भी धूप नहीं निकलती थी, बहुत दिनों के बाद आज धूप निकली है। बीच बीच में ये रोड थोड़े खराब है, बाकी सब मस्त है। तो ये जो आगे आप देख रहे हो दैट इज रोहन भाई, इनका सेटअप आप देखोगे तो काफी खूबसूरत सेटअप है। आप अगर गुजरते हो ये सब पहन के तो आपको देखना ही देखना है। तो अब मार्शेज जब जाते हो, मार्शेज मानीघाट वगैरह, तो यहाँ से आपको राइट लेना पड़ता है और अभी हम जा रहे हैं सीधा कसारा। तो गाइस बेसिकली हम जा रहे हैं इगतपुरी, इगतपुरी आपको मालूम रहेगा काफी खूबसूरत जगह है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्विट्जरलैंड ऑफ महाराष्ट्र। और अभी बारिश अभी हो चुकी है तो बहुत खूबसूरत रहेगा, बहुत मजा आएगा। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा चाय मारेंगे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, 8-10 किलोमीटर हुए हैं, लेकिन ये पॉइंट है जहाँ पे चाय मिलती है तो यहीं से चाय पियेंगे फिर आगे निकलते हैं। तो गाइस अभी चल रही है एक चाय, सुबह से चाय नहीं पी,
एक चाय होनी ज़रूरी है, अगर सुबह एक चाय पीते हैं उसके बाद काफ़ी ताकत आ जाती है, चुस्ती चली आती है। तो अभी हम यहाँ से चाय मार के आगे निकलेंगे। तो चलो गाइस यहाँ से अभी निकल रहे हैं, चाय हो चुका है, 10-12 किलोमीटर भी रुके, ज़्यादा डिस्टेंस अभी किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मीटिंग पॉइंट था तो रुकना ज़रूरी था। अभी यहाँ से हम सीधा निकलेंगे, रास्ते में एक आध ब्रेक ले लेंगे या तो फिर सीधा इगतपुरी। काफ़ी ट्रैफिक है इस रोड पे, हैवी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है और रोड ख़राब होने की वजह से भी, अभी बारिश हो गई है तो रोड काफ़ी ख़राब है, मतलब बीच बीच में ऐसे पॉट होल्स है जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ स्लो हो जाती है और फिर ट्रैफिक हो जाती है। और अभी भी बारिश हो रही है मुंबई में, मतलब परसों तो इतनी भयंकर बारिश हुई, बेहिसाब जो बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि 26 जुलाई का मंजर फिर से दोहराने वाला है। अगर आपको मालूम नहीं है तो 26 जुलाई 2005 में शायद से बारिश इतनी हुई थी मुंबई में कि पूरी मुंबई डूब गई थी, बहुत लोग उसमें मारे गए, काफ़ी नुकसान हो गया। गाइस यहाँ से आगरा 1143, इंदौर 537, नासिक 122 और शाहपुर है 26। यहाँ से हमें एक लंबा ट्रिप करना है इस रास्ते से, जब ये प्लान होगा तभी मैं बताऊंगा। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं, दिस इज श्री दत्त स्नैक्स, काफ़ी फेमस है बॉम्बे आगरा हाईवे पे ये जगह काफ़ी फेमस है, आप देख सकते हो 1981 में ये इस्टेब्लिश हुई है, खाना अच्छा मिलता है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे रुके हैं। तो चलो देखते हैं आज नाश्ते में क्या है, यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। आप देख भी सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बाजू में भी एक ढाबा है बट वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा खचाखच भरा हुआ है, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो गाइस अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, कांदा भजी तो केकड़ा भजी भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्रिकेट रहता है काफी, बड़ा पाव मिसल देखना उधर से देखना। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट हो चुका है, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट था। इस रोड पे अच्छा खाने के ऑप्शंस काफ़ी कम है और इसी वजह से ये काफ़ी चल रहा है, द फूड इज़ गुड बट इट इज़ एट अ प्रीमियम रेट, मतलब कंपैरेटिवली जो मिलता है यहाँ पे वो काफ़ी, उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो कोई नहीं, एज लॉन्ग एज द फूड इज़ गुड यू डोंट माइंड पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा, स्पेशली ऐसे जगह पे। अभी यहाँ से निकल रहे हैं और अभी सीधा इगतपुरी में हम लोग मिलेंगे, धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है अभी, मतलब हल्की हल्की गर्मी हो रही है, लेकिन एक बार हैवी टच करेंगे तो जैकेट के मैश में से हवा आती रहेगी तो फिर मज़ा आएगा, अब तक तो अच्छी थी राइड। ओके अभी हवा आने लगी है, अच्छा लग रहा है, कुछ दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी और तभी हो जाएगा राइडिंग का सीजन चालू। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं आसन डॉक और यहाँ से इगतपुरी रहेगा कुछ 30-35 किलोमीटर, ज़्यादा भी हो सकता है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन रोड काफ़ी अच्छा है, बीच बीच में एक आध दूसरे खड्डे हैं आइजन पॉट हाउस, बाकी सब एकदम मस्त है, बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है, जैसे मैंने कहा धूप निकली है लेकिन हवा की वजह से अच्छा लग रहा है और ये अनसेट है विंटर का, विंटर बहुत जल्दी शुरू होगा। तो गाइस जैसे मैं कह रहा था कि बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं, तो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा है कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं यहाँ की राइड करनी है, नो डाउट ये इतने फैले हुए हैं कि एक सिंगल शॉट में होंगे नहीं, इनको ब्रेकअप करना पड़ेगा,
तो ऐसी कुछ प्लान चल रहा है मेरा। तो सबसे पहला जो हम करेंगे वो जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तीन दो दिन लेंगे, एक है आपका त्र्यंबकेश्वर है, एक भीमाशंकर है और एक औरंगाबाद में, मुझे नाम अभी याद नहीं उसका। उसके अलावा एमपी में दो है, गुजरात में दो है, तेलंगाना में है, झारखंड में है, रामेश्वर है और केदारनाथ। तो अभी देखते हैं, भोले बाबा की कभी इच्छा होती है कि हम वहाँ पे आए, आपको हम बताएंगे कि ये कैसे प्लान होगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें मुझे ये सब करने के लिए मदद मिले। अभी कसारा घाट शुरू हो जाएगा, तो इट्स रिकमेंडेड कि आप अगर घाट वगैरह शुरू होने के पहले थोड़ा गाड़ी को आराम दे ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि घाट में ये काफ़ी रैव हो जाएगा इंजन और गर्म हो जाएगा। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, सब रेडी हैं, एक हमारा बंदा आगे गया विद द कैमरा, सो वहाँ से ये आस्क्ड अस टू कम इन अ सिंगल लाइन फॉर्मेशन शूट करने के लिए। तो गाइस ये घाट शुरू हो चुका है अभी, तो दोस्तों घाट खत्म हो चुका है, हम आगे ऊपर, दिस इज यहाँ से इगतपुरी स्टार्ट होता है। गाइस अभी हाईवे से हम अंदर आ चुके हैं और यही रोड है जो इगतपुरी वाटरफॉल जाता है। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि इगतपुरी वाटरफॉल एग्जैक्टली है क्या, तो जब हम लोकेशन पहुंचेंगे तभी आपको बताते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। तो मैं सबसे लास्ट हूँ, ये आगे सब हमारे राइडर्स है और उसके आगे कैमरा शूट कर रहे हैं। इस रोड पे हम पहले भी आ चुके हैं, टिंगले वाली डैम करके है, वहाँ पे हम लोग गए थे। गाइस अभी ये रोड जहाँ पे जा रहा है, हम यहीं पे टिंगले वाली डैम भी है, हम लोग यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। बस उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, इसके लिए कोई वीडियो नहीं आता, लेकिन चलो इस बार वीडियो आपको मिल जाएगा। ये रोड है, एक बार आ चुके हम लोग, तो योगेश भाई को थोड़ा याद है। ओहो लोकेशन तो देखो, दिस इज द रियल नेचर। पूरा हफ्ता भर काम करने के बाद अगर वीकेंड ऐसे लोकेशन पे आते हो अपने दोस्तों के साथ में बाइक लेके, तो और क्या ही चाहिए आपको। तो कोई भी लोकेशन अच्छा हो जाता है। लास्ट टाइम हम लोग आप पे आके फ़ोटो खिंचाए थे, हेलो उधर जाके आते ना, नहीं नज़दीक ही है, नहीं नहीं इधर ही, आपको 2 मिनट का रास्ता है। योगेश भाई ज्यादा लंबा नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, चल चल। लास्ट टाइम आए थे तभी अच्छा खासा लैंड था, पानी नहीं था, लेकिन अभी तो पानी पूरा भरा हुआ है। सो गाइस आप देख सकते हो लोकेशन हम पहुंच चुके हैं, ये ट्रिंगलवाड़ी डैम है। रास्ते में एक्शन कैमरा बंद हो गया क्योंकि बैटरी उसकी डाउन हो गई, इसके लिए मैं शूट नहीं कर पाया आने वाला रास्ता, बट जाते समय हम शूट करेंगे। आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है ये। दोस्तों यहाँ पे डिबेट चल रहा है कि कौन सी गाड़ी अच्छी है। गाड़ी सब अच्छी है, लेकिन सबको मालूम है, लेकिन सबको मालूम है सबसे बेस्ट गाड़ी ये है देखो अपनी।
एग्जैक्टली पिक्चर परफेक्ट। तो गाइज आप देख सकते हो ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। पिछले बार जब हम आए थे दैट वाज फरवरी, तो इतनी ग्रीनरी नहीं थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो मस्त है, एकदम ज़बरदस्त। चारों तरफ बस हरियाली हरियाली। और ये अपनी गैंग यहाँ पे शाम में हम लोगों ने बाइक्स पार्क की है। ये अपने रोहन भाई। तो गाइस इतनी खूबसूरती, यहाँ इतना खूबसूरत नजारा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो लोग आते हैं पूरा कचरा करके जाते हैं, ये बॉटल्स वगैरह सब फेंके हैं, उड़े हुए बॉटल्स, मतलब यहाँ पे आते हैं और अपनी निशानियाँ यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। देखो ये कैसा है, यहाँ से हमें नीचे जाना है। ऊपर आना आसान था मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन नीचे जाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। तो दिस इज एडवेंचर, ये मतलब छोटा मोटा होते रहता है, क्या करें। अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो ये आपको मिलेगा ही। और पानी देख सकते हो आप, मस्त बह रहा है यहाँ से। और ये हमने यहाँ पे ये स्पीकर लगाया ब्लूटूथ। हम यहाँ पे रुके हैं, काफी खूबसूरत है लोकेशन, तो यहाँ पे थोड़े फोटोज वगैरह खींचते हैं, थोड़ा रील्स बनाते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मौसम काफी अच्छा है यहाँ पे, मतलब धूप है बट जैसी गर्मी चाहिए वैसी नहीं है, हल्की हल्की गर्मी है। गाइस आप देख सकते हो ये नज़ारा इतना खूबसूरत है, ये पहाड़ है और यहाँ पे खेती। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, गाइस आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है, जबरदस्त भाई जबरदस्त, एकदम मस्त। तो हम लोग कहीं आगे जाते हैं और कहीं छाव होगी वहाँ पे रुकेंगे। वैसे तो एक स्पॉट आगे देखा था हम लोगों ने ऑलरेडी, तो वहीं पे चलते हैं, तो यहाँ से जाते हैं। रोहन भाई का अकाउंट खुल गया गिरने का। गाइस अभी यहाँ पे मस्ती चल रही है, आप देख सकते हो सब अपने भाई लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं। गाइस बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे,
बस और थोड़ी देर यहाँ पे चिल करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि लंच करना है, और लंच करके फिर घर के लिए निकलते हैं। लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है, ज़्यादा दूर भी नहीं है मुंबई से, अराउंड 110 या 115 किलोमीटर्स रहेगा मैक्स, 120। और इगतपुरी में आप आओगे तो काफ़ी सारे लोकेशन है, मतलब एक नहीं, अभी हम यहाँ पे आते आते 2-3 लोकेशन को देखें। हवा भी काफ़ी तेज चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, सबसे बेस्ट पार्ट इस एक्सेसिबल है, गाड़ी यहाँ तक आ सकती है। हाँ थोड़ा ऊपर गुबड़ खबड़ है बट ठीक है। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल डे, वेल स्पेंट विद फ्रेंड्स। सो गाइस आप देख सकते हो दिस इज धम्मगिरी, ये विपासना सेंटर है। तो गाइस अभी हम विपासना सेंटर से निकल चुके हैं, अंदर नहीं गए, सिर्फ बाहर से थोड़े फोटो निकाले, और अभी सीधा जाएंगे लंच करने के लिए, बहुत भूख लगी है। देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, ये ऑयल पूरा गिरा हुआ है तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। सो गाइस अभी खाना हो चुका है, दिस इज द प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं घर जाने के लिए। घर यहाँ से कुछ 66 किलोमीटर से थाने जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग ये यहीं पे ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो चलो फिर मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।